टरी सिस्टम we'll so, so, uh, yeah, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं की हमारे बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज और ये एनर्जी हमें कहा से मिलता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब जाता है तो वेरियस ऑफ फूड होता है जिससे क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है और इज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज और जब ये फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस सो गैसेज एक्सचेंज और ब्रीदिंग रिक्वायर्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ठीक है तो चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ तो क्या है कि हमारे जो अपर लिप्स होते हैं अपर लिप्स के ऊपर देयर इज अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं ठीक है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से एयर की एंट्री होती है राइट और उसके बाद ये क्या होता है जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इट एंटर्स या पासस थ्रू द नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर में ये रीच करता है ठीक है ये नेजल पैसेज है और नेजल चैम्बर की तरफ ये जाता है राइट इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है फेरिंग्स जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फेरिंग्स है और इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर राइट ये कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है राइट नाउ फेरिंग्स जो होता है इट ओपन इन टू फेरिंग्स जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉमन पैसेज है larynx, box, box, sound, और ये एक कार्टिलेजनस बॉक्स के फॉर्म में होता है ना ये जो फेरिंग्स है इट ओपन्स इन टू ट्रैकिया

ठीक है अब ये कवरिंग हो जाने से क्या होता है कि फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इन टू में यहाँ पे इधर फूड नहीं आना चाहिए अदरवाइज चोकिंग होगी राइट तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पैसेज है ग्लॉटिस एक स्मॉल ओपनिंग होती है वो कवर हो जाता है थ्रू एपी राइट अब देखते हैं ट्रैकिया की तरफ अब ये जो ट्रैकिया है विच इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर राइट और ये थोड़ा कैविटी में पहुंचकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं नाउ ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई जो आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है और ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट्स में या ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिससे टर्शरी ब्रोंकाई bronchi और ब्रोंकियोल्स फर्दर उसका डिविजन होता है ठीक है और ये जो होता है कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से ये सारे पार्ट्स जो है सपोर्टेड होते हैं ठीक है सो so, इनका जो है कोलैप्स नहीं होता है क्योंकि इनको सपोर्ट दिया गया है थ्रू कार्टिलेजिनस रिंग्स दीज आर एक्चुअली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ठीक है अब देखते हैं कि क्या फर्दर क्या स्ट्रक्चर है कि फ्रॉम द टर्शरी ब्रोंकिज इेग्युलर वॉल्ड बैग लाइक बैग लाइक so -like या -like जिसको हम एलवियोलाय कहते हैं ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं और ऑल दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन साइड द लंग राइट है और लंग right? जो है इट इज सराउंडेड बाय अल मेम्रेन ठीक है प्लूरा से सराउंडेड होता है और उसके अंदर जो एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसे प्लूरल फ्लूड कहते हैं और ये बेसिकली जो है अंदर के स्ट्रक्चर ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स को एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है सो so अब हम दो तरह के पार्ट्स देखते हैं द पार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ये है ना एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स से लेकर आपके जो ब्रोंकियोल्स तक के स्ट्रक्चर हैं राइट External nostrils, आपका स्टार्ट हुआ और होते हुए तक के जो है, इसके का पैसेज होता है, और बाकी और कोई काम नहीं होता ये एयर के फ्लो में मदद करते हैं फिर एलवेलाइज जो होता है जो लाइक स्ट्रक्चर -like है विच इज वेस्कुलराइज और फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें डक्ट्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं, दीज फॉर्म द रेस्पिरेट्री और एक्सचेंज पार्ट यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है ये सारे कंडक्टिंग पार्ट है और एलबेलाई एंड है वो कंडक्टिंग और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ठीक है अब एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं लेबल द डायग्राम यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जैसा की अभी आपने अंडरस्टैंड किया या स्टडी किया दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब इफ यू हैव टू लेबल द डायग्राम्स ले पे ए बी सी डी पार्ट दिया हुआ है तो आप देख लीजिए कि ए है आपका बी डी जो पार्ट है ये सराउंडिंग द लंग्स ये जो पार्ट है लाइनिंग है दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन और सी जो है वो आपका एल्वेलाई है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर अभी आपने अभी हमने डिस्कस किया है इसमें ये वेस्कुलराइज है और इट इज यूज फॉर गैसेस एक्सचेंज और डी पार्ट दिस इज द डायफ्राम राइट right. और ये क्या होता है इसका कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चैम्बर थोरासिक चैम्बर जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है इसका वॉल्यूम बढ़ता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन राइट तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और फॉर चैप्टर वाइज एम सी क्यूज कवरिंग ऑल टॉपिक्स यू कैन लॉग इन टू लर्न डॉटमी डॉट कॉम और इसमें आपको चैप्टर नोट भी प्रोवाइडेड है प्लीज चेक इट आउट द लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स And subscribe to my channel for regular updates on Need Biology content. Thank you for watching.